नमस्कार, स्वागत आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के फेसबुक और यूट्यूब लाइव पर। और आज हम एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर सियासत चरम पर पहुंच चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक नए तरीके की सियासत हो रही है, वो भी राम के नाम को लेकर। और ये सियासत जो है ये राम की राह पर राजनीति हो रही है, हमने इसे नाम दिया है। क्यों नाम दिया है ये राम की राह पर राजनीति? दरअसल छत्तीसगढ़ में राम वन गमन परिपथ जो तैयार किया गया है, अब इसी को लेकर कुछ सवाल उठने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने सत्ता गवाई और बीजेपी सत्ता में आ गई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जब सरकार थी तो कांग्रेस ने यह कहा कि राम तो हमारे भांजा है, और छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा जिस क्षेत्र से राम जो है वनवास की तरफ गए थे, उनकी यात्रा पर वनवास यात्रा जो थी, उस क्षेत्र को विकसित किया गया और उसे नाम दिया गया राम वन गमन परिपथ। अब इसी को लेकर सियासत तेज हो गई है। क्यों सियासत तेज हो गई है, पहले आपको हम एक बयान सुनवाते हैं और उसके बाद आप समझ जाएंगे कि सियासत क्यों तेज हो गई। लेकर उसके मार को लेकर चर्चा, कुछ चेंजेस उसमें होंगे, ये क्या था? ये नहीं, जो वास्तविक प्रभु राम का वन गमन पथ है और उसके बारे में देश के बड़े बड़े लोगों ने इसके ऊपर में रिसर्च किया है और उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया है। तो जो प्रभु राम का वास्तविक राम वन गमन पथ है, कांग्रेस की सरकार ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ ऐसे स्थान हैं जो उस रास्ते में नहीं आते हैं उनको भी घोषित कर दिया है, तो लोगों को वास्तविक जानकारी मिले इसका हम निर्णय करें। तो सुना आपने ये बयान, और इस बयान में साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो वास्तविक मार्ग है उसको बताया जाएगा। ये हैं प्रदेश के मंत्री, सीनियर लीडर हैं बृजमोहन अग्रवाल, और उनकी तरफ से ये बात कही गई है। अब कांग्रेस ये कह रही है कि भाई ये तो पूरा राजनीति का खेल है, 15 साल आप बीजेपी सत्ता में रही तब आपको याद नहीं आया, हमने जब विकसित किया तब आप बता रहे हैं कि सही रास्ता कौन सा रास्ता गलत है, और जो जानबूझकर कांग्रेस ने विकसित कर लिए थे, इन सब ये सारी बातें होने लगी हैं। तो आइए इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ आज दो खास मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं, अभय नारायण राय कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, और साथ में हमारे साथ अशोक बजाज जी भी जुड़ चुके हैं। अशोक बजाज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और देखिए, सियासत राम के नाम पर हो रही है, और अशोक बजाज जी, राम के नाम पर सियासत हो रही है, और आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है, बृजमोहन अग्रवाल के बयान को आपने भी सुन लिया, वो कह रहे हैं कि ये राम वन गमन परिपथ जो है इसके मार्ग में बदलाव किया जाएगा, क्योंकि जो कांग्रेस ने तैयार किया था उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामी थी, जानबूझकर उस रास्ते को डाइवर्ट कर दिया गया पॉलिटिकल सिनेरियो के। देखिए, मैं माननीय मंत्री जी का बयान सुन रहा था, और कांग्रेस सरकार में जिस ढंग से राम वन गमन पथ के नाम से ब्रांडिंग की गई, प्रोपेगेंडा किया गया, और वास्तव में इनको तो राम के नाम से इतनी नफरत है, इतनी नफरत है कि कांग्रेस वाले तो अभी भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी जाने से इन्होंने मना कर दिया है। आमंत्रण जो प्रेम पूर्वक स्नेह आमंत्रण उनको दिया गया था उसे भी इनके हेड ने ठुकरा दिया है। तो ये तो हमेशा राम के विरोधी रहे। पहले भी जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था और उस समय जब विवादित ढांचे ढाया गया तो हमारी चार चार सरकारें जो है भंग की गई थी, उसमें हम लोग भी प्रभावित हुए थे। ये जो छत्तीसगढ़ है आज, ये पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था और मध्य प्रदेश की सरकार को इन्होंने भंग कर दिया था। इन्होंने राम सेतु को, रामायण को, राम को, सबको नकारा है, और जब छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार बनी तो इनको लगा कि राम ही कल्याण करने वाले हैं, तो राम नाम जपने लगे, राम नाम के लिए ढूंढने लगे। और हमारी सरकार के समय जो वन गमन शोध संस्थान नामक संस्था ने जो जगह चिन्हित की थी उसको इन्होंने इधर उधर करके अपना काम करके ये बनवाया वो बनवाया करके दुनिया भर का प्रोपेगेंडा करते रहे। वास्तव में आने वाले समय में इसके परीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे, ये माननीय मंत्री जी के भावना है और निश्चित रूप से होना चाहिए। कांग्रेस के लोगों को तो वन गमन पथ नहीं मालूम है, और इन्होंने जहां पर भगवान राम की मूर्ति स्थापित की है कई जगह, वो अगर उस मूर्ति को देखेंगे तो आपको लगेगा कि रामायण में तुलसीदास जी ने जो भगवान के
चित्र का वर्णन किया, उनके रूप का वर्णन किया है, उस रूप में भगवान दिखाई नहीं देते हैं। तो एक कांग्रेस वालों को तो इसके लिए माफी मांगना चाहिए। अभी इन्होंने जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रण ठुकराया है, एक प्रकार से अपने राम विरोधी होने का परिचय इन्होंने दे दिया है। और कांग्रेस निश्चित रूप से धर्म विरोधी है, सनातन विरोधी है, और ये नैतिकता की विरोधी है, प्रजातंत्र के मूल्यों की विरोधी है। ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है। ठीक, अभय जी क्या कहेंगे, आपके ऊपर बहुत सारे आरोप, राम विरोधी आप लोग हैं, फिर भी आपने राम वन गमन परिपथ जो है उसको विकसित करने का काम किया, फिर आपने ये कहा कि राम जो है वो भांचा है छत्तीसगढ़ के, ये बात भी कांग्रेस से जब शासन में आई तब ये बात जो है इसको जोर शोर तरीके से आप लोगों ने प्रचारित और प्रसारित किया, तब छत्तीसगढ़ में ये कहा जाने लगा कि राम राम का ननिहाल है छत्तीसगढ़। अब राम के ननिहाल से कई टन चावल जो है वो वहां पर जा भी रहा है, जो भोग लगेगा। लेकिन बात राम वन गमन परिपथ की हो रही है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए उस मार्ग को ही डायवर्ट करने का काम किया है और हम सही रास्ता दिखाएंगे, बीजेपी ये कह रही है। देखिए मिश्रा जी, जाकी रही भावना जैसी, हरि मुहूर्त देखी थी तैसी, ये तुलसीदास जी रामायण में रामचरितमानस में लिख गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और नरेंद्र मोदी, इनके पास एक ही मुद्दा है कि जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे जनता का ध्यान हटा दो, उसके लिए धर्म का नाम लो, जाति का नाम लो, लोगों को डराओ और वो डरा के धर्म की राजनीति करो। अभी अशोक बजाज जी कह रहे थे कि कांग्रेसी राम विरोधी हैं, कांग्रेसी सनातन विरोधी हैं, कांग्रेसी हिंदू विरोधी हैं। मैं तो तरस खाता हूं इस बुद्धि पे और इस प्रचार पे कि कोई हिंदू हिंदू विरोधी कैसे होगा, कोई भी हिंदू राम विरोधी कैसे होगा। जहां तक राजनीतिक दल का सवाल है, राजनीतिक संगठन का सवाल है, कांग्रेस का एक भी चीजें दिखा दें जब कांग्रेस राम का विरोध करती हो। आज जो आमंत्रण ठुकराने का प्रश्न कर रहे हैं, ये निर्णय हाईकमान का है, हाईकमान ने लिया, इस पर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है, ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन और राम मंदिर का बनाने का काम और राम मंदिर को स्थापित करने का काम भाजपा ने किया है। तो निश्चित रूप से भाजपा किसी कार्यक्रम में कांग्रेस का क्या काम है। अगर वो भगवान राम का मंदिर है, अगर वो मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, अगर वहां ट्रस्ट है, तो वो ट्रस्ट निरपेक्ष रूप से काम करता ना। पूरे भारतीय जनता पार्टी दिया जलाओ, मंदिर में कलश जलाओ, मंदिर में लाइट लगाओ। आप महंगाई को भूल गए, आप बेरोजगारी को भूल गए, आप मणिपुर को भूल गए और आप राममय हो गए हैं, क्योंकि 24 में आपको चुनाव लड़ना है और 24 में आपको उतरना है। रही बात छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ बनने के बाद 3 साल कांग्रेस की सरकार रही, वो प्रारंभिक 3 साल थे। 2003 के बाद 15 साल लगातार रमन सिंह की सरकार और भाजपा की सरकार रही। इन 15 सालों में जो राम वन गमन शोध संस्थान थी, उसका दिया गया जो किताब था, या जिस इतिहासकार ने छत्तीसगढ़ के राम वन गमन खोजा और बताया, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे राज्यपाल हैं रमेश बैस जी, उनके एक भाई हैं श्याम बैस, जो कभी बीडीए के आरडीए के चेयरमैन भी हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रहे, उनका भी बहुत योगदान है। एक यदु जी थे, मनुराज यदु जी, उनका भी बहुत योगदान है। ऐसे लोगों ने जब इतिहास को खोज के किताब लिखकर और सौंपा था सरकार को, तो सरकार ने उस किताब को देखा नहीं, वो किताब धूल खाती रही। ब्रिजमोहन जी लंबी लंबी बात कर रहे थे, पर्यटन मंत्री रहे, वो भी मंत्री, लेकिन किसमें था, दिल्ली जाओ पैसा लाओ और पर्यटन के नाम पर जगह 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 अपने लोगों को उपलब्ध करने के लिए मॉल मॉडल खोल दिए गए। वो मोटेल आज किसी भी काम नहीं आ रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बनी, उन्होंने उस संस्था को महत्व दिया, इतिहासकारों को महत्व दिया और चिन्हित किया कि भगवान राम वनवास के दौरान 10 साल छत्तीसगढ़ में रहे, तो किन किन जगहों पे गए। तो जो चीजें इतिहास में उपलब्ध है उसको हमने किया। अब इतिहासकारों ने किसी चीज को छोड़ दिया होगा, किसी को पकड़ लिया होगा, वो इतिहासकारों की बात है। कांग्रेस सरकार को तो जो इतिहासकारों के लिखा हुआ मिला उस पे बड़ी ईमानदारी से काम किया और भांचा राम पूरे हिंदुस्तान में सरकार के कारण जाने गए। हमने रायगढ़ में रामायण महोत्सव कराया,
हाँ ठीक है ठीक है रामायण ठीक है सर, महोत्सव भी हमने रायगढ़ में कराया है। रामायण वो महोत्सव पंद्रह पंद्रह साल और कराया, 5 साल को आप देखें तो केवल 5 सालों में राम आप पर भी कराया, छत्तीसगढ़ में काम ठीक है हुआ है। सर। अशोक बजाज जी, मैं आपके पास फिर से आता हूँ। ये 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने वहां पर काम भी करवाया, ये तो मान रही है बीजेपी की काम कराया, भले ये कहा जा रहा हो कि रास्ता जो है कुछ और बना दिया गया, वो पॉलिटिकल फायदे के लिए बना दिया गया। लेकिन एक बात बताइए, 5 साल तक तो आपको किसी की याद नहीं है, इस मुद्दे को कभी भी नहीं भुनाया गया। अब जब राम मंदिर का निर्माण पूर्ण होने वाला है, वहां रामलला विराजित होने वाले हैं, तो कैसे राम के नाम का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ में भी सियासत में कर लिया जाए, एक शगुफा तो नहीं छोड़ा गया, क्योंकि 5 साल तक तो आपने इसको लेकर सवाल नहीं उठाया। बार बार सवाल उठाया पुनीत जी, बार बार हमने कहा ये जो चंदखुरी में कौशल्या माता के मंदिर को हमारी शासन काल के समय ये प्रचारित किया कि यहाँ पर एक कौशल्या माता का मंदिर है, विश्व का एकमात्र मंदिर है। हमारे शासन काल में उस मंदिर के सामने सभा भवन बनाया गया, वहां 4 लेन रोड बना दिया गया, वहां पर उनका सौंदर्यीकरण किया गया, तालाब को बीचों बीच मंदिर है। वहां जो लोग हमारे शासन आने के पहले यानी पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो लकड़ी की चैली बनाकर बांस की उसमें चलकर वो मंदिर तक लोगों को पहुंचना पड़ता था। मैं भी कई बार बचपन में वहां गया हूँ, उस बांस की चैली के सहारे गया हूँ। लेकिन हमारी सरकार आई, वो बढ़िया अच्छा रास्ता बन गया, प्लेटफॉर्म बन गया और सौंदर्यीकरण हो गया, मंदिर का उद्धार हो गया, उन्नयन हो गया। ये लोग केवल प्रोपेगेंडा करते रहे। हाँ, चंदखुरी को हाईलाइट हमारी सरकार में किया गया, कौशल्या माता का एक भव्य मंदिर वहां बनना चाहिए, ये हमारे समय में प्रचारित हुआ। अब आप चंदखुरी को राम वन गमन पथ बोलते हैं, ये चंदखुरी तो कौशल्या माता के मंदिर का स्थान है। तो ये जो कुल जहां भी आप जाएंगे, जो राम शोध संस्थान है उसका मैं भी एक मेंबर रहा हूं, और हम सब मिलजुल के जो हमने चिन्हित किया है, जो बातें निकाल कर सामने आई है, वहां पर पर्याप्त विकास होना चाहिए। और जो आस्था, जो हमारे हिंदू धर्म की आस्था है, जो राम को मानने वाले हैं उनकी आस्था के अनुरूप उस स्थान को विकसित किया जाना चाहिए। माननीय गडकरी जी ने इसको कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है ताकि जो राम वनगमन पथ है वो कॉरिडोर बन जाएगा, तो लोगों को आवागमन की सुविधा हो जाएगी। इस बात के लिए तो जो भाजपा ने किया है, कांग्रेस ने उसका एक तिनका भी नहीं किया, केवल प्रचार नहीं, करने में, अखबार में नाम आप छपवाने। अभी आप कह रहे थे, अशोक बजाज साहब आप कह रहे थे कि ये राम विरोधी है, और राम के लिए ही, राम के बारे में आप बोल रहे हैं कि ठीक है काम नहीं किया, प्रचार तो किया। आप कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं हुआ, चंदखुरी के बारे में जो है वो कांग्रेस के शासनकाल में जितना प्रचार प्रसार हुआ उतना आपके शासनकाल में नहीं हुआ, ये आप भी जान रहे हैं। राम को भांचा बताने का काम जो है कांग्रेस ने किया, ये बीजेपी ने नहीं किया, ये हमारी शासन छत्तीसगढ़ काल में प्रचारित हुआ है पुनीत जी, कई बार हुआ है। मैं डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा आपको, अखबारों की कतरने दिखा दूंगा। राजिम कुंभ में सारे संतों के सामने पवन दीवान जी ने कहा कि भाचा राम का अंचल है, ये जो छत्तीसगढ़ है भाचा राम का अंचल है। राजिम कुंभ में जहां पर सारे साधु संत थे, एक संत आए थे वहां राजस्थान से, उन्होंने तो उसी समय अपने गले की चैन को निकाल के दे दिया वहीं पर कि बोले ये मैं सोने की चैन अर्पित करता हूँ और इसको कौशल्या माता के मंदिर बनाने के लिए अर्पित है करके वो देने का उन्होंने पहल किया था। तो कुल मिलाकर हमारे शासन काल में हुआ, लेकिन हम लोग इस तरह को प्रोपेगेंडा करने वाले नहीं है, हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपने प्रोपोगेंडा किया, अबे जी आपने, आप लोगों ने प्रोपोगेंडा किया, काम नहीं क्या है देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इनको देश में क्या काम किया, देश आज कहाँ खड़ा है, देश की आज आर्थिक स्थिति क्या, उसकी कोई चिंता नहीं। कांग्रेस के लिए जो बोलना है अब सब, कांग्रेस के लिए झूठा प्रचार करना है, कांग्रेस पे झूठे हमले करने हैं, ये काम एकदम लाइन से करने का काम ये लोग कर रहे हैं। ब्रिजमोहन जी जैसा मंत्री अगर ऐसा बयान देता है, तो लेकर ब्रिजमोहन पॉलिटिक्स जी तो क्यों 5 साल जीता है? विधानसभा में देखिए थे, हमारे जो साथ, बयान आज दे रहे हैं ब्रिजमोहन जी,
वो बयान उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं उठाया विधानसभा में, ये गलत गलत बन रहा है। एक भी दिन उठाया हो, एक भी बात की हो, लेकिन फिर भी हम लोग अपने मार्ग पे चलेंगे। हम इस कट्टरपंथी संस्था का, इनकी विचारधारा का हम विरोध करते रहेंगे, और इनसे सर्टिफिकेट लेने का काम बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस राम के समर्थक है या विरोधी। जो हिंदू है वो राम का समर्थक है, और अगर कांग्रेस में लेकिन जितने हिंदू हैं वो कांग्रेस लेकिन में राय साहब, भगवान राम को मानते राय हैं, साहब, और राम वनगमन पथ आपने को हिंदुस्तान के अभी सोचेगा ये अभी तो काम, आपने अभय जी हिंदुओं ये और स्वीकार विरोधियों से कर लड़ने का लिया काम नहीं कि किया। राम मंदिर का जो अभी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है वो भाजपा कार्यक्रम है, तो मान लिया आपने। कांग्रेस वाले भाजपा स्वयं मानते उसको हैं ऐसा कि प्रोपगंडा राम नहीं यानी है, भाजपा, ये हम नहीं बोल रहे, भाजपा वो प्रोपगंडा नहीं भाजपा है, हम कार्यक्रम मान नहीं भी है, रहे ना हैं। सरकार का कार्यक्रम है, आप वो सुनिए, तो जो भी ट्रस्ट का है कार्यक्रम है। भाजपा ऐसा लेकिन आप प्रोपगंडा लोगों नहीं ने है, भाजपा आप लोग घोषित करते हैं, तो अरे आप दुश्मन ये होती है राम मानते हैं नाम कि वो भाजपा कार्यक्रम है, राम और भाजपा को एक का। दूसरे का राक्षस की पर्याय मानने का कुल्हाड़ी क्या में राम आप स्वयं करते नाम का हैं? दुशाला ओढ़ने से कोई राम हमारे नामी नहीं हो साहब, जाएगा। हाँ, हाँ वही वही राक्षस मैं की कह रहा हूँ, कुल्हाड़ी वही में मैं कह रहा हूँ, भाजपा हम ऐसा लोग तो प्रोपगंडा राम की कर रही कृपा है, पर चलते, भाजपा राम हम को बदनाम कर रही लोग है, भाजपा राम मंदिर ट्रस्ट को बदनाम कर रही है, भाजपा ने उस दर्शन को लोगों हाईजेक कर लिया है, के कोई भाजपा ने हाईजेक नहीं किया है, चूंकि भाजपा ने राज्य उस में दर्शन को केंद्र, हाईजेक किया है। राज्य और केंद्र में बिल्कुल भाजपा की सरकार है, इसलिए आपको यह महसूस हो रहा है, ये हमारा काम है। सरकार ने अभी श्री राम लला दर्शन योजना बनाई है, कल ही मंत्री परिषद में उसकी घोषणा हुई है, और राम के ननिहाल के लोग इस योजना से निहाल हो जाएंगे। आप देखते तो रहिए, पूरा देश राममय हो रहा है, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, बच्चे बच्चे गुनगुना रहे। जी अशोक जी एक देश सवाल रामय उठा था, 22 तारीख को, अशोक देश जी राममय सवाल था, उठा कि वो बाईस महात्मा तारीख को गांधी की क्यों सभाओं होने जा में रहा है, राम मैं भजन ये हुआ सवाल करते थे, उठा बाईस राम धुन। तारीख को क्यों होने जा रहा है, और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि ये रामनवमी को क्यों नहीं होने जा रहा है, रामनवमी को क्यों नहीं हो रहा है अयोध्या में? अब ये सवाल अशोक का जी क्या जवाब वो मैं गंगा कैसे का दूंगा? विरोध कर रहे हैं क्या अजय मंडल में मैं राम इस सवाल का लला जो, के? देखे, माननीय शंकराचार्य जी बहुत पूजनीय है, आदरणीय है, मैं उनके सामने नतमस्तक हूँ, उनके किसी बात पर मैं टिप्पणी करने का अधिकारी भी नहीं हूं, ना मेरी कोई ऐसी हैसियत है। लेकिन ये सरकार ने, केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने कोई तिथि तय नहीं की है, ये तो मंदिर निर्माण जिसने किया है उस वो ट्रस्ट ने ये तारीख तय की है, उसमें सबको निमंत्रण दिया है, हमारे लोगों को हम निमंत्रण दिया, कांग्रेस के लोगों को हम निमंत्रण दिया है, आप भी अशोक जाइएगा, कांग्रेस वाले जी क्यों निमंत्रण ठुकरा दिए? जी जी सवाल ये हो रहा है कि राम लला का जन्म तो रामनवमी पर होता है, तो फिर 22 तारीख को, 22 जनवरी को तो रामनवमी नहीं है, सवाल ये उठाया जा रहा है। नहीं, इस पर मैं क्या जवाब दूंगा? तो ट्रस्ट वाले इस पर भली भांति जवाब आप देंगे कि लोगों ने सवाल क्यों उन्होंने उठाया कि तय किया ना, मुझे, ये नहीं तिथि अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी तय नहीं की है, अशोक 22 जी जनवरी के मुहूर्त हाँ जो निकला है ये हाँ सब साधु संतों ने मिलकर निकाला होगा और नहीं, ट्रस्ट ने जारी किया। अरे सुनिए तो सही सर, आप साधु संतों ने ये केवल निकाला होगा या निकाला है इसके बजाय तथ्यात्मक रूप से, क्योंकि बात तथ्यात्मक हो रही है, अभी हमने सुना ना मंत्री जी को, वो तथ्यों की बात कर रहे हैं कि भाई ये जो है ये उन्होंने पॉलिटिकल तरीके से राम वन गमन पथ जो है उसको दूसरी तरफ मोड़ दिया, ऐसा नहीं, हम उसको बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से सही करेंगे, तो जब तथ्यों की बात है उस तथ्यों की बात करेंगे, ये सवाल उठ रहा है तो इसका जवाब तो आना चाहिए ना। नहीं, जवाब आएगा। देखिए, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सारी जगह जो भी काम हुए हैं उसका परीक्षण होगा, किस प्रकार से काम होना चाहिए, और उनके राम भगवान की प्रतिष्ठा के अनुरूप काम हो, जनता के जो आस्था है राम के प्रति उस आस्था के अनुरूप काम हो, वो एक प्रकार से एक धार्मिक केंद्र बने, इस दृष्टि से काम होना चाहिए, और हम आने वाले समय में ये सब करेंगे। मंत्री जी की भावना यही है कि उसको इस ढंग से विकसित किया जाएगा कि आने वाले समय में बहुत आस्था का केंद्र बनेगा और लोग वहां जाएंगे, नतमस्तक होंगे। केवल इन लोगों ने जो देखिए मीडियम जिस ढंग से प्रचार प्रसार करके अपना प्रोपेगेंडा किया और ये करते रहे कि राम विरोधी जो इनकी छवि बनी है उसकी क्षतिपूर्ति कैसे हो, इसका प्रयोग इन्होंने छत्तीसगढ़ से शुरू किया, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने बता दिया कि इनका छद्म
समर्थन है राम के प्रति, ये तो वास्तव में राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग हैं, ये छत्तीसगढ़ की जनता ने मान लिया है और 2023 के चुनाव में उन्होंने फैसला दे दिया। अभय जी और अशोक जी, एक हमारे साथ जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो अपने कमेंट्स भी अपने विचार रख रहे हैं और किसी ने लिखा कि भगवान को लेकर जो पॉलिटिक्स कर रहा है वो पापी है, कौन कर रहा है पॉलिटिक्स? अभय जी देखिए, पॉलिटिक्स कौन कर रहा है जो दर्शक सवाल कर रहे हैं वो भी जान रहे हैं, और किसको पापी बोल रहे हैं वो भी उनको पता है। उसको मैं मुंह खोल के बोलूं, नाम बताऊं तो ही जरूरी नहीं है। और कोई भी व्यक्ति जब धर्म का दुरुपयोग करेगा, धार्मिक रूप से आवरण श्रद्धा आवरण ओढ़ेगा, आज वो खुश हो सकता है, लेकिन अगर राम भगवान दंड देंगे तो उसको समझ में आएगा कि राम भगवान का दंड क्या होता है, उस लाठी में आवाज नहीं आती। और अभी अशोक बजाज जी कह रहे थे कि देश राममय हो गया है, देश राममय पहले भी था, आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी की कोई सभा बिना रामधुन की होती नहीं थी, रघुपति राघव राजा राम के भजन के बिना कोई कार्यक्रम चालू नहीं होता था, और 47 मृत्यु होने के समय उनके मुंह से हे राम निकला। तो देश राम में पहले भी था, देश के लोग राम में पहले भी थे, राम को मानना अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आदेश ने पूरे राजनीति में ही धर्म को बुला दिया। कांग्रेस ने देखिए, ये तो ट्रस्ट की तरफ से आमंत्रण गया था लेकिन कांग्रेस ने इसको ज्वाइन करने के बजाय इसे ठुकरा दिया, तो ये क्या मैसेज जाएगा जनता के बीच? जनता के बीच छोड़िए, कांग्रेस के भीतर ही अभय जी क्या मैसेज जा रहा है? खबर आपको मैं बताऊं, धार से खबर आई, आप ही की पार्टी के एक साथी जो हैं इस बात से आहत होकर पार्टी को छोड़ रहे हैं, लगातार छोड़ते जा रहे हैं, तो ये क्या है? ये कांग्रेस की मुश्किल होगी ना मिश्रा जी। निश्चित रूप से हाईकमान ने फैसला लिया है, खड़गे जी सोनिया जी ने अगर कोई फैसला लिया है तो उस फैसले पे टिप्पणी करने का अधिकार, उस फैसले पे टिप्पणी करने का अधिकार प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते मुझे नहीं है। वो हाईकमान का फैसला है और हाईकमान ने किन परिस्थितियों में फैसला लिया, ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई, और आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उस कार्यक्रम को हाईजेक किया है वो भी एक कारण हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस कार्यक्रम को हाईजेक करने का प्रयास किया। अभी आपने प्रश्न उठाया कि रामनवमी को क्यों नहीं, जब निर्माण अधूरा है, निर्माण में अभी समय लगेगा, तो रामनवमी का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन ये लोकसभा चुनाव को लेके एजेंडा है। इस बार लोकसभा चुनाव में राम जी करेंगे बेड़ा पार, ये नारा लगाते हैं भाजपा के लोग, तो राम भगवान अगर बेड़ा पार करने का आप सपना देख रहे हैं ना, तो राम भगवान दंड भी देते हैं। भगवान राम जी करेंगे बेड़ा पार और भाजपा का होगा 400 पार, बिना राम जी के सहारे किसी को मुक्ति नहीं मिलने वाली है, राम ही मुक्ति देने वाले हैं। राजनीतिक दल है तो हमारा केंद्र बिंदु देश का विकास होना चाहिए, हमारा केंद्र बिंदु गरीब होना चाहिए, हमारा केंद्र बिंदु मजदूर होना चाहिए। आज क्या परिस्थितियां हैं, आज धर्म के लिए भी समय है आपके पास, पेट्रोल के दाम, धर्म के लिए भी समय निकालिए, राम के लिए भी समय निकालिए, रामचरित मानस आप पढ़िए, रामचरित मानस का अध्ययन करिए, मनन करिए, गुणन करिए, आप रामचरित मानस का भी पढ़ के देखिए। आज पूरा देश राम में है। कांग्रेस पार्टी, हमारी पार्टी ने कहा है कि अपने कार्यकर्ता घर घर में दिया जलाए, ज्योति जलाए, डेकोरेशन करें, मंदिरों में डेकोरेशन करें, साफ सफाई करें। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बोले ना, कांग्रेस पार्टी बोले कि दिवाली बनाओ, कांग्रेस पार्टी जी सवाल कर ले, देखिए दिवाली के दिन मनाई जाएगी, राम लला की स्थापना हो रही है। आप ये दावा करते हैं, कांग्रेस दावा करती है कि भाई ताला खुलवाने का काम तो राजीव गांधी के शासनकाल में हुआ था, राजीव गांधी ने खुलवाया था ताला, ये दावा नहीं सच्चाई है। नहीं नहीं सुन तो लीजिए आप, सच्चाई है ठीक है, लेकिन एक सच्चाई ये है कि वहीं पर जहां ताला खुलवाने का काम किया था वहीं पर आमंत्रण जब मिल रहा है तो जा नहीं रहे। आप मुझे बताइए कि छत्तीसगढ़ के तो भांचा है ना राम, आपको नहीं लगता कि आपको जाना चाहिए? कांग्रेस को छोड़ दीजिए, अलग रख दीजिए, अभी आप एक छत्तीसगढ़ के नागरिक होने के नाते आपको भी इंतजार था कि 500 साल के बाद राम विराजमान हो रहे हैं, रामलला। यही यही तो प्रश्न है देश के सामने, राम 550 साल से गए कहाँ थे? वो तो हमारे जनमानस में हृदय में बसे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने 22 जनवरी की डेट निकाल दी। अभी आपने कहा ना रामनवमी को, हम स्वागत करते हैं रामनवमी को करें,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी वोट मांगने के लिए लेकिन 24 के लेकिन चुनाव के लेकिन पहले अभय जी, 22 आप जनवरी को स्वागत दीपावली आप मनाओ, कर रहे हैं, दीपावली आप का कर रहे हैं, दीपावली को जैसे दीपावली के दिन डेट मनाई जाएगी। जब अनाउंस हो गई, डेट जब अनाउंस हो गई तब आप ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसके पहले कांग्रेस ने कभी सवाल ही नहीं उठाया। जब तारीख 22 जनवरी की तारीख आई तब कांग्रेस कहाँ थी? क्यों ये सवाल नहीं उठाया गया कांग्रेस की तरफ से कि आप ये डेट देखिए तय क्यों नहीं कर रही है? शंकराचार्य की देखिए तरफ से सा... बयान आता है, उसके बाद फिर कांग्रेस बेफर पड़ती है, नहीं कांग्रेस नहीं फुट पड़ती है, और बेफर है आप सर। हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु भगवान के बाद जिनको पूजा जाता है वो शंकराचार्य होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये मानने को क्यों तैयार नहीं है कि शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रश्न है, ये देश के आगे सामने नहीं जा प्रश्न है कि रहा अशोक हिंदू धर्म में जी, अभय भगवान के बाद उन्होंने शंकराचार्य का स्थान है और चारों सोनी के जी, चारों आपने शंकराचार्य इनकार कर रहे हैं। कहा कि उन्होंने कुछ सोच विचार करके तारीख निकाली होगी, निश्चित रूप से बहुत सारे मुहूर्त निकाले जाते, लेकिन शंकराचार्य नहीं जा रहे, ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। और फिर राम, फिर वापस हम आएंगे राम वन गमन परिपथ पर, लेकिन शंकराचार्य वहां नहीं जा रहे हैं, ये बताइए ये कौन सा ये बात हो? देखिए मैं माननीय शंकराचार्य जी बहुत आदरणीय है, उनके बातों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वो नहीं जा रहे इसका मतलब कोई विरोध कर रहे हैं ऐसा थोड़ी है। कांग्रेस तो सदा विरोधी करती रही थी, इन्होंने सुप्रीम अच्छा कोर्ट वो में नहीं जा रहे हैं एफिडेविट तो विरोध दिया, नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस नहीं जा सुप्रीम रही तो विरोध कोर्ट कर रही है, में वाह इन्होंने एफिड दिया डबल इनकी स्टैंडर्ड की मनमोहन बात कर सरकार रही ने कि राम काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, ये सब है। ये चीजों सब को आरोप इन्होंने, बंद ये करिए कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है राम, सब, ये सब आरोप आप ये बंद करिए कि राम डॉक्यूमेंट्री सेतु प्रूफ का नाम है, ये राम के नाम लेते ही पीछे खड़े लग जाते हैं, राम सेतु को राम के लेकर नाम आपके पर मंत्री ने क्या इनको बयान दिया है, नफरत जितने है, जितने लोग राम मंत्री के होते नाम पर थे। इनको घृणा आती है, ये राम के नाम के समर्थन है तो अपने कार्यकर्ताओं को बोले, जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बोला है कि सब लोग ये बड़ा उत्सव मनाइए, 550 साल बाद राम जी टेंट से मंदिर में आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अपने घर में दिया जलाएं, रोशनी करें, बाद गीत संगीत करें, जश्न मनाएं। तो अब ये जश्न मना रहे हैं, इतना बड़ा काम हो रहा है पूरा आस्था का केंद्र में, तो इन कांग्रेस के नेताओं को भी अपने कार्यकर्ताओं को अपील करना चाहिए कि वो भी जश्न मनाए। तो हम अगर जश्न मनाने के काम के लिए अपील करते हैं अपने लोगों से, तो ये कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा ने हाईजैक कर लिया। अरे हमने हाईजैक नहीं किया, हम उस जश्न में शामिल हो रहे हैं जो ट्रस्ट ने घोषित किया है उस कार्यक्रम में, हम उस जश्न में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस भी शामिल हो जाए, इनका आरोप धुल जाएगा। लेकिन ये आए तो सच्चाई ये है कि इनका हाई कमान जो है, जो हमारे हिंदू और सनातन के प्रति उनका रुख क्या है, इस आमंत्रण ठुकराने की प्रक्रिया से समझ में आ गया है जनता को, और ये प्रमाणित हो गया है। अब ये किस प्रकार से अब राम के नाम पर अगले समय में नाम लेंगे और राम के प्रति क्या इनकी भाव है, ये भी अब जग जाहिर हो गया है, निश्चित रूप से राम जी इनको सजा देंगे। लेकिन 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 ये जो बयान जो है, क्या अशोक जी ये इसके मार को लेकर छत्तीसगढ़ चर्चा में है, कुछ चेंजेस उसमें भाजपा होंगे, ये क्या कभी था? नहीं ये सुन नहीं, लीजिए, जो वास्तविक प्रभु राम का वन गमन पथ है वास्तविक और उसके बारे में देश के बड़े बड़े लोगों ने इसके रिसर्च की, ऊपर में रिसर्च किया है और उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया है। तो जो प्रभु राम का वास्तविक राम वन गमन पथ है, कांग्रेस की सरकार ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ ऐसे स्थान है जो उस रास्ते में नहीं आते हैं उनको भी घोषित कर दिया है, तो लोगों को वास्तविक जानकारी मिले इसका हम ठीक निर्णय। है, इसका हम निर्णय करेंगे अभय जी, इसका निर्णय करेंगे, और कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस देखती रहेगी। देखिए पहले वो निर्णय तो करें, अभी तो बयान दे रहे हैं, सब बयानवीर लोग हैं, अभी सत्ता में आए हैं, महीने भर से कोई काम आपको काज छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं दे रहा बुरा है। नहीं लगा, आपको बुरा नहीं और लगा क्योंकि इतिहास राम के नाम पर इतिहास आपने राम वन परिपथ और तमाम, आपने बहुत बड़ा बजट भी खर्च किया, बहुत पैसा भी खर्च हुआ, मुख्यमंत्री भी गए, तमाम लोग, सब बहुत सारी चीजें कवायद चली, और इसके बाद अगर कोई कह दे कि ये तो पॉलिटिकल स्टंट है तो आपको बुरा नहीं लगेगा? आप देखिए छत्तीसगढ़ लोगों की की देखते हैं जनता को बुरा कंटेंट को, लगेगा, आप वोटिंग राम को लॉज की मानने वालों को परिस्थिति बुरा में लगेगा, और कांग्रेस इस पे स्टैंड लेगी। पहले वो डिक्लेयर तो करे कि डिबेट कौन रूम सा है, डिबेट वास्तविक है, रूम। कौन सा हमने राजनीतिक फायदे के लिए किया है, एक लाइन के आगे बढ़े बताएं, तो हम विपक्ष में हैं और हम कोई काम करके आए हैं तो उसके हमारे पास पुख्ता सबूत है, पुख्ता जानकारी है, हमने किसी भावना से काम किया है? हाँ हमने वोट मांगने के लिए वो काम नहीं किया था, हम राम वन गमन पथ परिपथ के फोटो बीजेपी ने वोट लेकर मांगने के लिए चुनाव काम में नहीं किया, उतरे थे।
बीजेपी का बयान वोट मांगने के लिए राम मंदिर का उपयोग करेंगे, 22 जनवरी का उपयोग लोकसभा चुनाव के लिए कर रहे हैं, इससे बड़ी और क्या बात होगी। राम के नाम को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है क्या जी भाजपा? बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी राम के नाम को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है क्या? आप लोगों ने उसको एस्टेब्लिश किया, कांग्रेस ये दावा करती है। मुझसे सवाल कर रहे हैं अभय जी से। अभय जी देखिए, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार की जो योजनाएं थी, जो काम था, उन्होंने किसान को उस जगह खड़ा कर दिया है कि बिना किसान की बात किए कोई राजनीति नहीं करेगा। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राम वनगमन पर्यटन पथ भी बनाया, राम माचा को स्थापित कर दिया, उसके बिना आप कोई राजनीति नहीं करेगा, ये दिख रहा है। उसी तरह से तमाम ऐसे काम थे छत्तीसगढ़ में, आत्मनिर्भर स्कूल का काम हो, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े काम किए गए, भूपेश सरकार ने एक मानदंड स्थापित किया है। तो छत्तीसगढ़ सरकार पहले हनीमून पीरियड से बाहर निकले, पहले वो उस खुमारी को से बाहर निकले कि हम सत्ता में आ गए हैं, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, विभाग बटे, ये सब करते महीनों हो गए, और अभी 22 जनवरी की तैयारी में लग गए हैं। इनको अभी ख्याल ही नहीं कि धान की धान बेचने में किसानों को कितनी परेशानी हो रही है, 12,000 महतारी बंधन का बहने हर महीने पैसा खोज रही है कि कहाँ गया हमारा हर महीने का पैसा, गैस सिलेंडर वाले 500 में गैस सिलेंडर खोज रहे हैं। इन सब बातों से लोगों का ध्यान हटा रहे, तो ऐसे मुद्दे को छेड़ दो जितने बात चलती रहे, विकास की बात ना हो। अशोक जी विकास की बात ना हो, लोगों का ध्यान भट जाए, और इसीलिए ऐसे बयान दे दिए जा रहे हैं। ब्रिजमोहन अग्रवाल धर्म का काम फिर से देखने जा रहे हैं, राजिम कुंभ जो उन्होंने शुरू किया था उसको फिर वापस राजिम नाम दिया जा रहा है, ये भी बात कही गई। लेकिन धर्म के नाम पर भटकाती है बीजेपी, ये कांग्रेस की तरफ से आरोप है। कांग्रेस आरोप लगाए, एक राजनीतिक पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, निश्चित रूप से हम उनके बयानों का स्वागत करेंगे, और जो भी वो सही अगर विरोध करते हैं तो उसमें हम सुधार करेंगे, कहीं हमारी त्रुटि होती है। लेकिन अभी सरकार को मैंने महीना भर नहीं हुआ है, खामियां ढूंढ रहे हैं आप, कमजोरियां ढूंढ रहे हैं। 5 साल तक आपने जनता को ठगा है, 5 साल तक आपने वादा खिलाफी की, आपने क्या क्या नहीं कहा था? आपने कहा था छत्तीसगढ़ नशा मुक्त हो जाएगा, अब कौशल्या की नगरी, और 22 जनवरी को शराबबंदी की घोषणा कर दीजिए। आपने शराबबंदी नहीं किया, बात यही खत्म नहीं होती है, आपने घर घर शराब पहुंचाया है, आपने नई पीढ़ी को ऐसा नशा पान, आपने नशा पान की आदत डाल दी है नई पीढ़ी को, छोटे छोटे स्कूली बच्चों को आदत डाल दी है, कई पीढ़ियां अभी बर्बाद होने वाली है, आने वाले समय में इसे कितना नुकसान होगा। इस तरह बजाज साहब तो नशा है खराब बार बार कहते भी आ रहे हैं, वो तो सबको, मुझे लगता है कि बजाज साहब ही इसका समर्थन करेंगे, नशा है खराब आपकी। देखिए नशा है खराब, झन पीऊ शराब, हम तो पहले से कह रहे हैं, इन्होंने कहा हम नशा मुक्त करेंगे, तो आपने नशा मुक्त किया, यहीं तक बात खत्म नहीं होती। नशा मुक्त इन्होंने किया ही नहीं, वादे पर मुकरते रहे, एक कमेटी बनाए, उसकी कोई बैठक हुई कि नहीं हुई पता नहीं, केवल उस पर्यटन करने के लिए एक कमेटी बना दीजिए, और जितनी कमेटियां इस टाइप की बनी, बंदी ना हो, आप तो बैठक में शामिल नहीं हुए। अरे हमको बुलाते तो हम आते ना, आपको कैसे शराब मुक्त करना है आप बताते तो सही, लेकिन शराब मुक्त करना है, नशा मुक्त छत्तीसगढ़ करना है, लेकिन आपने कोरोना काल में, बोलिए अपनी पार्टी को कि कोरोना काल में शराबबंदी घोषित करे। पुनीत पुनीत जी, पुनीत जी, कोरोना काल में कारखाने बंद हो गए, आपके ट्रेन बंद हो गई, हवाई जहाज बंद हो गया, दुकानें बंद हो गई, मंदिर मस्जिद बंद हो गए, लेकिन शराब की दुकानें छत्तीसगढ़ में खुली रही, घर घर पहुंचाई इन्होंने ऑनलाइन शराब पहुंचाया, इसी की सजा भुगत रहे लोग अभी, इसी की सजा, झूठ बोलने की सजा ये भुगत रहे हैं। आज हमारी 1 महीने की सरकार नहीं हुई है और ये हम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, इनको इंतजार करना चाहिए, अभी देखते रहे हमने जो वादे किए हैं उन वादों को हम कैसे पूरा करेंगे। हम विषयांतर हो रहे हैं, बात राम की हो रही है और समय भी बहुत हो गया है, अब इजाजत लेंगे, लेकिन बात राम की हो रही है और राम वन गमन परिपथ को लेकर बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस ने पॉलिटिकल फायदे के लिए उसको
उसमें बदलाव करने का काम किया है और हम सही मार्ग बताएंगे। इसीलिए हमने कहा कि राम की राह पर राजनीति छत्तीसगढ़ में हो रही, कितना उबाल मारेगी आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए अभय जी और अशोक जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ बहुत धन्यवाद।